नर्सरी से लेकर प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एनटीटी कोर्स जरूरी। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर आपको नर्सरी या प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो अब आपके लिए एनटीटी कोर्स आवश्यक है। बेतिया मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाला गांव के जय पब्लिक शिक्षण संस्थान में सोमवार को दिन एनटीटी पीटीटी सीसीटी प्रशिक्षण ट्रेनिंग कोर्स पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुखिया बैजनाथ प्रसाद, जिला पार्षद एवं सांसद प्रतिनिधि रामधनी पटेल तथा धोखा रहा मुखिया आशीष भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उक्त मौके पर जहां ट्रेनिंग सेंटर प्राचार्य प्रियंका देवी ने बताया कि आज के परिवेश में नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक के शिक्षक बनने के लिए एनटीटी कोर्स करना है हर युवा और महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक शिक्षिका और आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए यह कोर्स लाभप्रद है। वहीं व्यवस्थापक जयशंकर प्रसाद ने बताया कि एनटीटी एवं पीटीटी कोर्स करना बहुत ही आसान है। दसम एवं इंटर पास पुरुष तथा महिला इस कोर्स को करके एक सफल शिक्षक बन सकते हैं इसके लिए जय पब्लिक स्कूल में इसकी कक्षा शुरू कर दी गई है तथा बड़ी मात्रा में कोर्स करने वाले अभ्यर्थी नामांकन भी ले रहे हैं। उक्त प्रशिक्षण केंद्र का पूरे बिहार में संचालित कर रहे हैं। प्रयास एजुकेशन ट्रस्ट के बिहार कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार पाठक ने बताया कि पूरे बिहार में एनटीटी कोर्स तथा पीटीटी कोर्स करने के लिए भारत सरकार तथा बिहार सरकार ने उक्त ट्रस्ट को अधिकृत किया है। क्राइम ब्यूरो जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। सुनने वाले सभी दर्शकों को, सभी भाई और बहनों को मेरा सत सत नमस्कार है। आज जय पब्लिक स्कूल रतनमाला के प्रांगण में एनटीटी और पीटीटी सेंटर का उद्घाटन हुआ, जो कि दीप प्रज्वलित किए पूर्व मुखिया श्री बैनाथ प्रसाद जी, उनके कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और तमाम हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद मुखिया सभी लोग यहां उपस्थित रहे। उनके समक्ष जो है आज इस जय पब्लिक स्कूल में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया। एनटीटी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ कि यह हमारी बहनों के लिए सबसे लाभप्रद कोर्स है, जिससे वो आंगनबाड़ी में, प्लेवे स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए कार्य कर सकती हैं। इसके लिए यह एक वोकेशनल कोर्स है, वो आगामी शिक्षा को करते हुए भी इस शिक्षा को ले सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। आपका परिचय सर? मेरा नाम कुंदन कुमार पाठक हुआ। मैं प्रयास शक्ति एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से या सेंटर जितने भी ऑर्गेनाइज होते हैं उसके बिहार का कोऑर्डिनेटर। कार्यक्रम जो हमने कहता है, मतलब हमारे यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का स्टडी सेंटर आया है राष्ट्र शक्ति एजुकेशन ट्रस्ट का, उसी का उद्घाटन समारोह था। एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो कि मैट्रिक पास कैंडिडेट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, और पीटीटी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ये इंटर पास लड़कों लड़कियों दोनों के लिए है। ये कोर्स करने के बाद टीचर ट्रेन टीचर हो जाएंगे और उनको आंगनबाड़ी में या फिर गवर्नमेंट जॉब जब आती है प्री प्राइमरी क्लासेस नर्सरी 1-2 के लिए, तो उसके लिए एनटीटी वाले एलिजिबल होंगे और 3-4-5 के लिए पीटीटी वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। क्या आपके रतनमाला इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है? जी बढ़ी है। आपका परिचय? जयशंकर प्रसाद, जय पब्लिक स्कूल और जय इंस्टीट्यूट का संस्थापक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अपने क्षेत्र के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, उन सबको, हमारी युवक युवतियाँ हैं, उन सबको ये कोर्स करावें जिससे वो आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने। आपका परिचय? मैं प्रियंका देवी, इस एनटीटी पीटीटी जो कोर्स है उसके मैं परिचारी हूँ।